हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जो थार लेने की सोच रहे हैं तो मैं इसके स्पेसिफिकेशन आपको डिटेल में बता देती हूँ। लुक वाइज तो नो डाउट ये बहुत ही ख़तरनाक लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार है। इसके स्पेसिफिकेशन और अंदर से ये कैसी दिखती है मैं आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ 4x4 थार। इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। अगर आप देखेंगे ये जो ऑक्सिलरी लाइट्स हैं ये हमने दी हैं। ऊपर से अगर देखेंगे तो हेला की ऑक्सिलरी लाइट दी गई हैं। इसके साथ साथ में ऊपर कैरियर लगाया गया है। देयर इज वन स्टिकर आल्सो इन दिस। और ये स्टिकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एडवेंचर। डेफिनेटली इट इज अ एडवेंचरस कार। लोग अक्सर ड्रीम करते हैं कि लेह लद्दाख थार में ही जाया जाए। और इसमें आप क्या मानते हैं? यस, ऑफ कोर्स जाना चाहिए। अगर आपने ली है कार तो जाना चाहिए। और ये अपने एक स्टेप होल्डर हमने लगाया है। इसकी वजह से हम लोग ऊपर जाके और कुछ अगर हमको लगेज रखना है तो रख सकते हैं। तो ये एक एक्सेसरी है। साथ में अगर आप देखेंगे पीछे से स्टेपनी कवर है, ये कवर का काम भी करता है और साथ साथ में प्रोटेक्शन भी देता है रियर टायर को, स्टेपनी को। और ये जो आपने ये है ना, ये वो वाली फीलिंग आती है ना जो कोई ले लद्दाख जाता है तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आइए एक बार इंटीरियर देख लेंगे। किसी भी गाड़ी में इंजन नंबर और चेसी नंबर ये स्पेसिफिक होता है। दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक अबाउट कार। इसके साथ साथ में इसके जो डैशबोर्ड है दिस इज ऑल वाटरप्रूफ। अगर आपकी गाड़ी कभी पानी के नीचे जाती है या किसी आप ऑफ रोडिंग में कभी आप रिवर पे जाते हो तो ये प्रोटेक्ट करता है। दिस इज ऑल डैशबोर्ड इज वाटरप्रूफ। इसके साथ साथ में इसका जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड इसमें काफ़ी बहुत सारे फीचर्स भी इसमें अवेलेबल हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं अंदर से कितनी ब्यूटीफुल कार है और इसको चलाने का एक अलग मजा है। जो लोग ये कार लेना चाह रहे हैं कुछ बताइए स्पेशल कि वो ये कार क्यों लें। देखिए, इस गाड़ी को लेने का अगर किसी को शौक है तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी योर सेकेंडरी व्हीकल। इफ़ यू आर ऑल्सो हैविंग वन कार तो ही आपको सेकेंड व्हीकल के तौर पर इस पर जाना चाहिए। और गाड़ी के लुक्स और गाड़ी का रोड प्रेजेंस, ये दो चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को एक वैल्यू देती है। और गाड़ी एक हायर सीसी व्हीकल है। इवन जो टायर्स की विड्थ बोलते रहिए, टायर की विड्थ जो है वो आपको नॉर्मल ऑफ रोडिंग करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो इस वजह से इस गाड़ी को लेने का विचार आप लोगों ने करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, आपने काफ़ी सारी इसकी खूबियाँ बताई कि थार क्यों लेनी चाहिए, तो और कुछ रीज़न ये बताइए कि क्यों ना लें इसको। Okay, ना लेने का रीज़न एक ही है कि दिस इज नॉट अ फैमिली कार। जैसे अभी ऊपर चढ़ के आई फ्रंट सीट पे तो डिफिकल्ट है। बाकी अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके जाना चाहते हैं तो ऑल्सो नहीं, तो उनको तो चढ़ने में और दिक्कत होगी। यस, इसीलिए बोलो परेशानी इस वजह से आपको ये कार को प्रेफर न करने का ओनली एक ही रीज़न। ओके, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं? और कोई अब जिन्हें ज़्यादा घूमने फिरने का ना शौक हो वो तो ना लेंगे। और उनको तो कार लेने की जरूरत भी नहीं है। कार लेने की जरूरत नहीं है, पैदल ही चले जाए। ओके, मैंने आपको इंटीरियर भी दिखाया, आउटर भी दिखाया थार की।